बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बटेरा कढ़ाई, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही कमाल रेसिपी है। कढ़ाई जो है, ये बटेरा जो है, ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं इसको कच्ची मिट्टी की देगची में बनाऊंगी। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास फार्मी बटेरे हैं तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास देसी हैं तो आप उसको कुकर में भी बना सकते हैं। ये हमारे पास 2 पवे पानी के हमने इसमें डाल दिए। हमारे पास ये हैं बटेरे, 20 बटेरे हैं, ये देखिए, ये 20 बटेरे हैं हमारे पास। अब इनको डाल देंगे डेगची में। हम बटेरा कढ़ाई बना रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, हमारे पास ये 4 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, और 2 गोल प्याज हैं छोटे से 0 साइज़ के, ये हमने इसमें ऐड कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हम ऐड करेंगे। हमारे पास 4 थी सब्ज़ मिर्चें बड़ी मोटी वाली, और 15 से 18 हमारे पास थे लहसुन के जो है, और 1 इंच का टुकड़ा हमारे पास था अदरक का, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे, 10 से 12 मिनट के लिए इसको बंद करके रख देंगे, फिर देखते हैं। इसमें 1 चम्मच हम लोग रेड मिर्ची डाल देंगे, ये हमारे पास ये गई, हाफ चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, आप हसबे ज़रूरत डालिए। ये देखिए, आप इसमें हसबे ज़रूरत डालिए, ये हाफ टी स्पून जितना, ये हाफ चम्मच हमारे पास हल्दी है, ये हम ऐड करेंगे। अब हम इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर देंगे, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसको ढक्कन बंद करके ठहरा देंगे। ये देखिए, हमारा पानी जो है वो खुश्क होने को आ गया है, हमने इसे 15 से 18 मिनट ऊपर रखा है, और बटेरे को बिल्कुल इनके हिस्से नहीं करने, इनकी बोटियां नहीं करनी, ये फुल बटेरा साफ़ करके पकाना है। अगर आप हिस्से करेंगे तो इसमें वैसे कुछ नहीं होता बोटी वगैरह। अब हम इसमें घी डालेंगे, तकरीबन 1 पाव इसमें घी जाएगा, मैं हसबे ज़रूरत ही डालूँगी, 1 अंदाज़े के साथ आप 1 पावा या 1 कप डाल सकते हैं, जो पाव का हो आपके पास। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, ये देखिए 1 चम्मच जितना हमारे पास धनिया पाउडर है। अब हम इसको भूनेंगे घी में, हमने इसकी 3 से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। अब हम 2 चुटकी के बराबर इसमें गरम मसाला डालेंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, 2 फिंगर में जितना आए उतना डाल दें, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास टीस्पून होती है उसकी 1/4 टीस्पून आप गरम मसाला डाल सकते हैं, उससे भी कम, बस थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए, ज़्यादा नहीं डालना, अदरवाइज़ ये इसका टेस्ट फिर अजीब सा हो जाएगा। ये देखिए, अभी हम इसे 2 से 3 मिनट और भुनेंगे, तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे, या 1 मिनट और भी लग जाए फिर आपको दिखाते हैं। वाओ, ये हमने 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई की, कमाल खुशबू आ रही है, देखिए हमारे टूटे भी नहीं है, वैसे पूरे के पूरे बने हुए हैं, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम इसको दम वाली आंच पे कर देंगे, और इसमें 2 चम्मच हम दही ऐड करेंगे, ये देखिए हमारे पास 2 चम्मच दही है। दही के साथ ये थोड़ा सख्त हो जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो दही इस्तेमाल करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 लीमू भी ऐड कर सकते हैं,
या फिर एक स्पून सिरका भी, अगर आपके पास दही नहीं है तो। अब हमारे पास दम वाली आँच है, हम इसको बंद कर देंगे ऐसे, एक दो मिनट इसको बंद कर देंगे हल्की आँच पे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने दही डाल दी, इसके साथ ही हम हाफ स्पून जो है ना काली मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर, फिर इसको मिक्स कर देंगे, इसको थोड़ी देर दम वाली आँच पे पकने देंगे। वाह वाह माशाल्लाह, दिखने में भी कमाल, खाने में भी माशाल्लाह कमाल। हमारी दही का पानी खुश्क हो चुका, देखिए माशाल्लाह कमाल खुशबू आ रही है, कमाल टेस्ट आ रहा है। जब आप इसको ट्राई करेंगी तो माशाल्लाह माशाल्लाह खूब दाद वसूल करेंगी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। अब हम इसमें एक पावा पानी का ऐड कर देंगे, क्योंकि दही का पानी खुश्क हो गया। ये देखिए आँच, दम वाले आँच पे अगर हम इनको बिल्कुल खुश्क नहीं बनाएंगे, हम इनकी थोड़ी सी लास रखेंगे। ये डेढ़ पावा हमने इसमें पानी का ऐड किया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको ढक्कन बंद करके 5 से 7 मिनट इसको ठहरा देंगे। ये देखिए हमारे पास 6 से 7-8 मिर्चें, अब हम ये भी डाल देंगे इसके साथ ही इंशाल्लाह। हमने जब पानी डाला तो उसको 3 से 4 मिनट हो चुके, अभी 2 मिनट ये मिर्चें अंदर जाएंगी। हमारी आँच 0 है बिल्कुल, और अब ये 1 मिनट के लिए इसको दम देंगे, फिर आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ये हमारे पास चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 1 हमारे पास बड़ी सब्ज़ मिर्ची थी। हम इसको ऐड करके हम इसको दम पे 10 मिनट के लिए रख देते हैं, आग बिल्कुल हम इसकी बंद कर देते हैं। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप इसको 10 मिनट के लिए दम वाले आँच पर रख दें, लेकिन मेरे पास तो मुझे ये लकड़ी बाहर करना पड़ेगी, क्योंकि अंगारों में भी बहुत गर्मी होती है, तो ये दम आ ही जाएगा। ये देखिए इस पर इसको ऐसे ही डाल के, अभी मौसम नहीं है सब्ज़ धनिया का, अदरवाइज सब्ज़ धनिया भी ज़रूर डालते हैं और इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इसको 10 मिनट दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमने इसका ढक्कन खोल दिया, 10 मिनट हमने इसको ऐसे आँच पे अंगारों पे रखे रखा। दम वाली माशाल्लाह बटेर कढ़ाई तैयार हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें हल्की सी लास है और बाकी ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी लास वाली बटेर की कढ़ाई माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, बनाइए खाइए और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।